मंदसौर कोतवाली थाना क्षेत्र के मदारपुरा फाटक पर एडवोकेट नितिन शिंदे की कार के फोड़े कांच। मंदसौर शहर सहित जिले भर में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और रात के अंधेरे सहित दिन दहाड़े भी घटना को अपराधी बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला मंदसौर शहर के मदारपुरा फाटक के पास का सामने आया, जहां पर एडवोकेट नितिन शिंदे की कार के अज्ञात व्यक्तियों ने कांच फोड़ दिए ईंट से। इसके बाद एडवोकेट नितिन शिंदे ने घर के पास में ही रहने वाले व्यक्ति पर पानी बतासे के ठेले लगाने वाले लोगों पर शंका जाहिर की है। कोतवाली पुलिस ने तीनों लोगों को हिरासत में लिया है एवं पूछताछ की जा रही है। कोतवाली थाना प्रभारी पुष्पेंद्र राठौर ने बताया कि आसपास क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी पुलिस लगातार चेक कर रही है और जो भी दोषी होंगे उन पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। क्षेत्र क्या काम करते हो, क्या घटना हुई आज की तारीख? ये मदारपुरा फाटक है और मेरी गाड़ी का जो ग्लास है इसको फोड़ दिया गया है और ईंट से फोड़ा गया है। लेकिन वो क्यों फूटा जिसमें मेरे को शंका है वो ये है कि सामने दोनों मकान मेरे हैं, नीचे का हिस्सा मेरा है। वहाँ पर जो वर्क चल रहा है उस वर्क के अनुसार पुरानी ईंट जो है उससे फोड़ा गया है। हो सकता है सामने वाली पार्टी ने द्वेषता के अनुसार फोड़ा हो या फिर ये जो पतासे के ठेले आप जो देख रहे हो ये यहाँ खड़े हुए थे, मैंने हटवाए हैं। मेरी गाड़ी हमेशा से यहीं खड़ी रहती है। जब मैंने इनको हटाने के लिए बोला है तो उनने वहाँ रखा था, तो मैंने कहा घर के यहाँ ना रखते हुए ये आप कहीं और लगा लो। और ये लोग 5-7 दिन से आए हैं। मेरे को शंका ये है कि या तो इस परिवार के व्यक्ति ने किसी ने फोड़ा है या वो जो नए किरायेदार आए हैं उन लोगों ने फोड़ा है। मेरा पुलिस प्रशासन से एक ही निवेदन है कि इस गाड़ी में जो ईंट पड़ी हुई है उसका फिंगरप्रिंट लिया जाए और इन सभी के हाथ के निशान लिए जाए, ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चूँकि यहाँ जो कैमरे हैं वो मदारपुरा की उस तरफ और इधर आगे जो लगे हुए थड़ी के वहाँ लगे हुए हैं, या बीच में कोई कैमरा नहीं है। मैं एडवोकेट हूँ नितिन शिंदे। मदारपुरा और जनकोपुरा के बीच में गाड़ी के कांच फोड़े गए, क्या जानकारी? ये जानकारी अभी सुबह प्राप्त हुई है कि एक वाहन है जो गणपति चौक से आगे मदारपुरा की ओर जाने वाले रास्ते पर खड़ा था, जिसके पीछे का कांच किसी अज्ञात बदमाश ने फोड़ दिया है। उसमें चीता मोबाइल को जो है आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक करने की हिदायत दी गई और आसपास के लोगों से पूछताछ कर इसमें अज्ञात आरोपी का पता लगाने के लिए भी बताया गया है।